इस मेगा बुलेटिन की पहली ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा देते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना होगी। सोर्सेस से खबर आ रही है, जनगणना के बाद जानकारी ये कि परिसीमन कमीशन का गठन होगा और सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि 2029 लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू हो सकता है, यानी कि 2024 नहीं 2019 तक का लंबा वक्त लगेगा जब महिला आरक्षण लागू हो सकता है। परिसीमन में दक्षिण राज्यों की चिंता की जाएगी, ये भी सोर्सेस से खबर आ रही है। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आनंद, 2024 चुनाव सर पर है, जिस तरह से सरकार इस महिला आरक्षण बिल को लेकर बातें कर रही है, लेकिन सोर्सेस ये बता रही है कि जो परिसीमन की प्रक्रिया है वो पूरा होते होते ये पूरा मामला 2029 लोकसभा चुनाव तक पहुंच जाएगा, और क्या जानकारी आ रही है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जो 2029 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें जरूर महिला आरक्षण का फायदा मिलेगा, लेकिन अगर परिसीमन का काम पूरा हो जाता है जनगणना के काम से पूरा होने के बाद, तो इसके बाद जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें महिला आरक्षण कानून लागू हो सकता है। यार क्योंकि आप ऐसे समझिए कि 2026 में अगर परिसीमन हो गया तो उसके बाद अगर कोई राज्य की विधानसभा का चुनाव होता है तो वहां पर महिला आरक्षण कानून लागू हो जाएगा, यानी कि वो उस चुनाव में वहाँ की महिलाओं को 33% का आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में इस आरक्षण का फायदा लेने के लिए 2029 तक का इंतजार करना पड़ेगा। और रही बात दूसरी, जो कि आपने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों के जो राजनीतिक दल है उनकी जो कुछ चिंता है, ये बात सही है कि परिसीमन होगा तो जो सीटें बढ़ेंगी लोकसभा की वो मौजूदा जनसंख्या के लिहाज से बढ़ेंगी, यानी कि अभी जनसंख्या सबसे ज्यादा। आनंद, जो आप जानकारी दे रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें तेज है, और दक्षिण राज्य जो है वहां पर विशेष तौर पर इस पर जोर दिया जाएगा परिसीमन में। शुक्रिया जानकारी का आपका।